वेलकम टू असम जोआलॉजस्ट यूट्यूब चैनल तो आज जो है हम जू जो जोग्रफी एंड पलेंटॉलोजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीन्स ऑफ डिस्पर्सल तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने जू जो जोग्राफी एंड पलेंटोलॉजी सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और मैं एक एक टॉपिक को कॉर कर रहा हूँ तो आपने सारे वीडियोज़ को देखना है ठीक है वन बाई वन तो आज जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ डिस्पर्सल क्या होता है लैंड ब्रिजेज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंड ब्रिजेस व्हेन ऑर्गेनिजम्स डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो दे यूज लैंड कनेक्शन जब एक ऑर्गेनिजम एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये लैंड कनेक्शन यूज करता है ठीक है तो ये होता है एक रीजन नॉर्थ अमेरिका दूसरा होता है साउथ अमेरिका और ये इसमें एक लैंड कनेक्शन मौजूद होता है इस तमस्ता पानामा इसे कहते हैं करंटली दिस कनेक्शन इज अन अवेलेबल बट इन पास्ट ऑर्गेनिज्म यूज दिस कनेक्शन फॉर मूवमेंट फ्राम नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका पास्ट में ये कनेक्शन मौजूद था लेकिन अब ये ब्रेक हो चुका इसी वजह से अब जो है माइग्रेशन uh, और uh, नहीं हो सकते पॉडिट ऑर्गेनिज्म लैंड ब्रिजेस क्या होता है ये पास्ट में होते थे और अब ये नहीं रहे ठीक है दूसरा होता है नेचुरल ड्राफ्ट क्या होता है नेचुरल ड्राफ्ट लेट्स ये एक रीजन होता है ये दूसरा रीजन होता है इसमें भी प्लोरा और फाना मौजूद होता है इस रीजन में भी तो विद द हेल्प ऑफ वाटर इस रीजन से ये एक आ, पार्ट कटअप होता है ठीक है ये पार्ट जो है थ्रू वाटर कटअप होता है ठीक है और यह सब ये इस रीजन के साथ ही अटैच होता है ठीक है बाय वाटर इसे नेचुरल ड्राफ्ट कहते हैं इन एबव स्केच वाटर सम एरिया लैंड मार्स विद फ्लोरअप एंड पाना कटअप एंड इन वाटर इट इज़ माइग्रेट टू इदर साइड एंड अटैच टू द नैक्स्ट पार्ट ऑफ लैंड तो एक रीजन से पार्ट कटअप होता है थ्रू वाटर इसमें मुख्तफ़ कस्म के प्लोराइन फाना मौजूद होता है और ये माइग्रेट होता है फ्राम वन साइड टू तो अनेदर साइड और ये अटैच होता है टू द नेक्स्ट पार्ट ठीक है जिस तरह मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया तो इस रीजन से ये कटअप हो गया और इस रीजन के साथ ये अटैच हो गया तो इसमें मुख्तलिफ़ कस्म के पाना और फ्लोरा जो है इस रीजन से यहाँ तक माइग्रेट हुए थ्रू क्या नेचुरल ड्राफ्ट अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ड्रिप वुड क्या होता है ड्रिप वुड एक रीजन ये होता है लेट्स से ठीक है एक रीजन ये होता है और दूसरा रीजन ये होता है तो यहाँ पर मुख्तफ़ कस्म के फ्लोरा पाना भी मौजूद होता है यहाँ पर लेट से एक ट्री मौजूद होता है ग्रुप ऑफ आर्गेनिज़म यहाँ पर रह सकते हैं ठीक है थीके? जितने भी ऑर्गेनिज़म ट्री में रह सकते हैं तो ये ट्री क्या होता है ये कटअप होता है इस रीजन से और ये यहाँ तक माइग्रेट होता है और जितने भी ऑर्गेनिज़म इस ट्री में मौजूद होता है तो ये यहाँ तक माइग्रेट होता है फ्राम दिस रीजन अ ट्री स्टैंडिंग इन वन साइड नी डिफरेंट ऑर्गेनिजम एपट हो गया इंसेक्ट हो गया विन वन ब्रांच ऑफ ट्री आर होल ट्री कट देट ट्री एंड इन वाटर इट इज माइग्रेट टू आल इनसे आ, पार्ट से जो है एक रीजन से ये कटअप होता है दूसरे रीजन तक ये जाता है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी एहनस हो गया ये माइग्रेट होते हैं फ्राम वन रीजन टू तो अनदर रीजन तो इसे क्या कहते हैं इसे ड्रिफ्ट ओड कहते हैं ठीक है इससे भी मीन ऑफ डिस्पर्सल होता है अब हम मीन ऑफ डिस्पर्सल में नेक्स्ट पढ़ेंगे ओषानिक करंट की वजह से भी डिस्पर्सल होता है ओशानिक करंट्स आर आल्सो यूज एज अ मीन ऑफ डिस्पर्सल डिस्पर्सलॉर मनी ऑर्गेनिज्म लाइक मलस के लिए ओशानिक करंट मीन ऑफ डिस्पर्सल होता है हारेक्लिस के लिए अर्थवाम के लिए फिशेस सीसाइल जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सीसाइल कैन नॉट मूव ओनली मोटाइल कैन मूव तो जितने भी सीसाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ओशियानिक करंट इसके लिए मीन ऑफ डिस्पर्सल होता है फाइव नंबर स्ट्रॉम एंड गेल जितने भी तूफाने होते हैं ठीक है हवाए होते हैं थ्रू स्ट्रॉम एंड गेल लाइट वेटेड स्ट्रक्चर आर डिस्पर्स प्राम वन प्लस टू अनादर जितने भी लाइट हल्के वेटेड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये डिस्पर्स होते हैं प्राम वन प्लेस टू अनादर थ्रू स्ट्राम एंड गेल्स ठीक है जिस तरह स्पोर हो गया सिस्ट हो गया फॉलन ग्रेन सीड्स लाइट इंसेक्ट हो गया लाइट वेटेड एग्स जितने भी ये क्या होते हैं प्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्ट्राम एंड गेल की हेल्प से माइग्रेट होते हैं लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंस ह्यूमंस भी मींस ऑफ डिस्पर्सल होता है ह्यूमन आर इट्स मेन मीन ऑफ डिस्पर्सल होता है ठीक है ह्यूमन भी इन्वॉल्व होता है मीन ऑफ डिस्पर्सल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एग्जांपल ह्यूमन माइग्रेट्स मंगूस टू वेस्ट इंडीज तो ह्यूमन ने माइग्रेट किया मंगूस टू वेस्ट इंडीज ठीक है ह्यूमन माइग्रेट रेबिस टू ऑस्ट्रेलिया ह्यूमन ने जो है माइग्रेट किया रेबट्स को थ्रू ऑस्ट्रेलिया तो ये डिफरेंट मीन ऑफ डिस्पर्सल थे और ये इंपॉर्टेंट थे तो आपने वन बाय वन को पढ़ना है विद एग्जांपल ठीक है और समझना है तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय